ग्यारह जी, 15 साल से लंबा समय आपको मिला, बजट पर तो बात होगी ही, बजट आपको दिया नहीं दिया वो तो अभी विकास जी ने पक्ष रखा। मैं जरा लैंडफिल साइट पे आपसे सवाल पूछ लेती हूँ सर। दिसंबर 2020, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, दिल्ली के तीनों निगमों ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, वहां पे ये कहते हैं कि हम 50% कूड़ा खत्म कर देंगे। भलसवा का जो कूड़ा है वो 2022 में खत्म हो जाएगा जून, ओखला लैंडफिल साइट का मार्च 2023 में, और गाजीपुर का दिसंबर 2023 में। और सर यहां पर 20% भी कूड़ा कम नहीं हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि जनता आपको 2025 तक का समय क्यों दे? आप मुझे बताइए सर, क्यों दे जनता आपको 2025 तक का समय? और आपके पास अपने गिनाने वाले काम नहीं है क्या कि गृह मंत्री को आज मोर्चा संभालना पड़ रहा है निगम चुनाव के लिए? जीना जी, देखिए जो बात आपने कही उसी बात के अंदर जवाब भी है कि अभी जो गृह मंत्री जी ने कहा कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए यदि दिल्ली सरकार दे देती तो ना तो ये कूड़े होते, कूड़े के पहाड़ होते, और ना ये जो हमने समय दिया था इसको क्रॉस करने की जरूरत पड़ती। अरे भाई, कूड़ा हटेगा लेकिन उसको हटाने के लिए व्यवस्था तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए ना। दिल्ली सरकार जल बोर्ड को 40,000 करोड़ रुपए उधार दे सकती है जहां उन्हें भ्रष्टाचार करना है, लेकिन दिल्ली की जनता का जो दुख था कि भाई ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो, उसके लिए उन्होंने इसकी आवश्यकता को नहीं समझा। जहां तक बात हमारे काम करने की है तो दिल्ली के अंदर आज वैसे तो सांस लेने की स्थिति है नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी स्थिति ठीक हुई है तो जो पेरिफेरल वे बने हैं, चाहे ईस्ट पेरिफेरल हो, चाहे वेस्ट पेरिफेरल हो, चाहे धोला कुआं का जाम से राहत हो, चाहे मेरठ हाईवे बना हो, चाहे अभी अंडरपास बने हो, ये सारे का के सारे काम हमारे दिल्ली सरकार के कराए, केंद्र सरकार ने के कराए हुए काम है। दिल्ली में MCD ने वो शानदार काम किया है जिसके बल पे हम 15 साल के बाद फिर चुनाव लड़ने जमीन पे आ रहे हैं। गिना दीजिए, चलिए पांच गिना दीजिए बड़े बड़े काम, पांच। हमारा दिल्ली का स्कूल, MCD का स्कूल एशिया के नंबर 1 स्कूलों में, साउथ दिल्ली का स्कूल नंबर 1 स्कूलों में आया। ये जो कहते हैं कि हमारे स्कूल नंबर वर्ल्ड क्लास का है, इन्होंने बताओ किसी एक ने सर्टिफिकेट दिया? लेकिन एशिया की एक रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया कि साउथ दिल्ली MCD का स्कूल नंबर 1 स्कूल है। हमने दिल्ली के अंदर जो अभी भारत दर्शन पार्क बनाया उसमें साउथ दिल्ली सबसे कमाऊ निगम रहा है। अब देखिए यहाँ है ना, सुनिए ना सर, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ सर, ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं मेरा तो उनसे लेना देना है, आप लोगों की जो सियासी बातें उनसे तो मेरा क्या ही सरोकार। साउथ निगम जो है सबसे ज्यादा माला माल आपका डिपार्टमेंट रहा है, निगम रहा है। तो सर और बताइए ना सर, किसी मंगोलपुरी में, जहांगीरपुरी में, इस तरह की जो जगह है सर, शाहदरा में आ जाइए, इस तरफ आइए, जरा बताइए मुझे पांच काम। मान लिया, चलिए मैं आपकी बात को बड़ा कर देती हूँ, स्कूल, चार और बताइए जल्दी से। जीनत जी, आज दिल्ली के लगभग सभी पार्कों के अंदर जिम लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज दिल्ली के जितने भी MCD के स्कूल हैं सबके सब लगभग 90% कंप्यूटराइज हो गए हैं, इसका काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज दिल्ली की हमारी जो सड़कें हैं जो MCD की, वो कहीं कहीं 10 गुना बेहतर है जो दिल्ली सरकार की सड़कें। दिल्ली सरकार की सड़क पे आप निकल जाइए या तो आपको जाम मिलेगा, और जाम तो जाम, हम और आप तो क्या कार में रहते हैं इसलिए जाम की बात कर रहे हैं। जरा उस बेचारे से पूछ के देखिए जो ऑटो में चलता है, जो स्कूटर पे चलता है, जो पैदल चलता है। नहीं, मैं पैदल चलती हूँ सर, मैं बताती हूँ आपको, मैं पैदल चलती हूँ, मैं बैटरी रिक्शा भी लेती हूँ, मैं मेट्रो भी लेती हूँ, फिर वो जो रिक्शा होता है पुराना, जो एक आम इंसान मेरे और आपकी तरह चलाते हैं, वो भी इस्तेमाल करती हूँ। आपने कहा निगम की सड़कें बहुत अच्छी, लेकिन जल भराव में तो सर सांस फूल जाता है, निगम की सड़कों का भी, दिल्ली सरकार की सड़कों का भी, सारा का सारा जल भराव जीने चाहिए। इनके जो बड़े बड़े नाले भरे हैं उसकी वजह से ठीक है, दिल्ली की नालियों से जाम नहीं होता, दिल्ली की नालियों के अंदर पानी नहीं भरा जाता है, जो उनके नाले 40-40 साल से जो इन्होंने उसके अंदर सफाई तक नहीं करी है 7 सालों के अंदर, उसकी वजह से पानी भरा जाता है। अच्छी बात आपने कही, सड़कों पे निकलना दूभर है, दिल्ली पे सांस लेना दूभर है। जब ये कहा करते थे पंजाब 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 से पोल्यूशन आता है, आज तो सरकार इनकी है। अभी नहीं जाएंगे, अभी तो मैं पोल्यूशन पर आऊंगी सर, पोल्यूशन पर आऊंगी मैं, कहां कितना पैसा खर्च हुआ है मैं आप ही लोगों से पूछूंगी।